अंजनिया के पास में ही है पेट्रोल पंप, अब हम वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे हमारी गाड़ियों में। एक ये है, एक वो है, अब हम यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे। शानदार, इतना सुकून। अच्छा तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवा चुके हैं और अब हम लोग भोरमदेव के लिए निकल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ रोड में पड़ता है। यहाँ से लगभग वही 105-110 किलोमीटर समथिंग है। तो आगे और बताते हैं आपको क्या है कैसा है। और भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी दोनों अलग अलग कर दूँ मैं तो कह रहा हूँ जोड़ कर। तो अब हम लोग निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ रोड में, जो भोरमदेव है, बहुत जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे। तो वहीं के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं अंजनिया से पेट्रोल पंप से, और आगे आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। अभी हम बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं, जो कि यहाँ से समझ लो अभी लगभग 80 किलोमीटर और बाकी है। तो आगे की अपडेट और मैं आपको दूंगा। और अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं, क्या है लगभग आधे घंटे से चल रहा है और ठंड भी है थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और क्या है कि मेरे को जैकेट भी चेंज करना था, तो वही सब। तो अभी हम क्या है जैकेट थोड़ा सा पलट के पहन लें, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, गंदी हो जाएगी वाइट साइड से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ब्लैक है बहुत शानदार। और हमारे दो छोटे भाई लोग जो है कि काफ़ी आगे पहुंच गए हैं, और शिवम बहुत टाइम से बाइक चला रहा है हमारा शिवम भाई। अच्छा तो अभी अब हम सब लोग पहुंच चुके हैं नटराज होटल, जो कि इस रोड की सबसे जानी मानी होटल है और काफ़ी अच्छी होटल है। यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और सब लोग अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ खाएंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हमारी गाड़ियाँ उधर खड़ी, अभी फ़िलहाल हम किसी का वेट कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर कोई ले ही नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है, मतलब कुछ भी समझ ही सकते हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो हमने डिसाइड किया कि अभी हमें सबको आलू पराठा खाना है। हाय हाय, इतना सुकून। ये है नटराज होटल, जो कि रास्ते में मिलती है, काफ़ी अच्छी होटल है। और हमने पराठा खाया था, बहुत टेस्टी था। आप लोग भी कभी आए और विजिट करें। आर यू कॉमेडी मी? तो अब हम लोग निकलने वाले हैं।
सो गाइस, हमको जहाँ जाना था लगभग हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी बीच में एक मंदिर पड़ी है और यहाँ से हमारी रास्ता हमारी रोड है। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हम मैन जो सोच के आए हैं, है ना। तो ट्रिप तो काफ़ी अच्छा है, हमारा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया अभी तक तो, सब अच्छा चल रहा है। अब आगे देखो क्या होता है, आगे की अपडेट भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार दृश्य है ये। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या बात है, देख सकते हैं। तो अब हम लोग वहां जा रहे हैं जहां के लिए हम आए हैं, जो हमारा उद्देश्य था आज का, अब वो पूर्ण होने वाला है। कुछ यही 8 किलोमीटर समथिंग कुछ बचा है, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा पुलिस आ रही है, तो मेरे हिसाब से नीचे उतर जाना चाहिए हमें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। आप भी आइए, विजिट करिए हमारे अनुज प्रिय पलाज भाई, प्रिय शुभम भाई, प्रिय हमारा शिवांग भाई। स्वयं अभी बैक वीडियो देख रहे, क्या फाड़ू बनती है। अच्छा ले लो भैया, मेरी ले लो पहले। बताओ ना खड़े कैसे हूँ यार मैं। लड़की लोग बोला था पहले, भैया मेरी ले लो, भैया मेरी ले लो। तुम पीछे देख के जरा, अबे साइड में ऐसे आ। गाइस, फाइनली हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, जिस चीज के लिए हम आज आए थे, फाइनली हमारा वो देश पूरा होने वाला है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे कैसे कैसे प्लेसेस है, हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, आगे वीडियो में बताइए। इधर एक बांध है, हम वहाँ पे जा रहे हैं उस बांध को देखने। इस प्रकार से निकलना पड़ता। और शिवम भाई हमारे बहुत पैकिंग में है, क्या बात शिवम। अरे गर्दा उड़ाते हैं, गर्दा उड़ता है बोलता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। बहुत जोशों से चलते हुए, हेलमेट को लेते हुए, रखते हुए अपने हाथों में, और अपने भारी भारी कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब भी छुट्टी भाइयों के बीच में इतना अच्छा लगा मुझे, तुम फिर से क्या। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्लेस है, क्या बढ़िया था गुरु। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कुछ और प्लेसेस। ये वाला प्लेस तो अभी हम जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है और घर भी निकलना है समय से हम लोग को। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की जो मेन मंदिर है, मंदिर जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, बोटिंग वगैरह देखते हैं, समय रहा तो करेंगे। हाय हाय, इतना सुकून। जिस जगह पे, जिस मंदिर पे हमें आना था, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम भी आपको उसके दर्शन कराते हैं, हम सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं।
ये है उसका एंट्री गेट, जहाँ जाना था उसका एंट्री गेट यही है। बहुत शानदार प्लेस है, आइएगा विजिट करिएगा। अब ये है मंदिर का मुख्य द्वार, आइए यहाँ विजिट करिए। ये है तो हम मंदिर पे आ चुके हैं सभी लोग, आप देखिए मैं दिखाता हूँ। ये है मंदिर और अंदर का आपको दिखाएंगे, अंदर क्या क्या है। शानदार, बहुत अच्छा प्लेस है बाकी यहाँ, और बाकी चीज़ें और दिखाएंगे भी। तो अब हम लोग उस जगह से आ चुके हैं वापस जहाँ हम लोग गए थे, और रास्ते में एक और कुछ है यहाँ पे जो पलाश जानता है, तो अभी हमें वहीं लेके जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं सभी लोग, अब आपको प्लेस भी दिखाते हैं। अच्छा गाड़ी के जस्ट बाद है, यानी कि पल्ला साइड आएंगे तब पड़ेगा ये, ना कि उस साइड जाएंगे। ओके और गाइस मैं नहीं जानता इस रोड की क्या कहानी है, पलाश लेके जा रहा है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि अभी तक हम कहाँ जा रहे हैं, बस पलाश बोल रहा था कि भैया कुछ अच्छा सा है। प्रभु बस अब जा रहे हैं। हे हरिराम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम। जगह इस रोड में बहुत गंदी सी रोड में मजे लेते हुए हम आ चुके हैं, ना जाने कहां जा रहे हैं, मुझे भी अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा इसे पलाश के अनुसार अच्छा ही होगा, यहां पलाश कह रहा था कि। और चलिए आइए सभी, क्या हो रहा है, मेरे को अकेले छोड़ दिए हैं, बहुत ही हाइट है यहाँ पे, आप लोग आइए घूमिए यहाँ पे, काफी अच्छा प्लेस। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? नाइस व्यू। अभी प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो, इसे कहते हैं जन्नत। हाय हाय, क्या बोलते हैं जन्नत, मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ से गिरे तो शायद ही बच अच्छा। पाएंगे भाई का जगह का नाम क्या है? तो फिर कभी। वाओ, ब्यूटीफुल।